सीएम योगी का कानपुर एटा शाहजहांपुर दौरा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ चौथे चरण को साधने की कोशिश करते हुए आज नजर आएंगे। इसी कड़ी में सीएम योगी तीन अलग अलग जिलों में पहुंचेंगे, कानपुर में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। तो कानपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को सीएम योगी आज संबोधित करने वाले हैं। सीएम रेलवे स्टेशन के पास मैदान में जनसभा करते हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आज वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करने वाले हैं। तकरीबन 2:25 पर डीएवी इंटर कॉलेज एटा में भी भरेंगे हुंकार। तो एटा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। वही बीते दिनों अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी पर हमलावर एटा में ही नजर आए थे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज एटा दौरे पर रहेंगे। तो तीन अलग अलग जनपदों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ चौथे चरण में इन तीनों ही लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इन तीनों ही लोकसभा सीटों को साधने की कवायद आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कानपुर में आयोजित एक सभा को संबोधित करेंगे, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करेंगे। इसके साथ ही एटा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। फोन लाइन पर उपेंद्र अस्थाना कानपुर से जुड़ चुके हैं। देखिए उपेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज उनका कानपुर में होना है? जी मुशाना, की कानपुर के जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका जो जनसभा कानपुर क्षेत्र में है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो है कानपुर में, इससे पहले पूर्व में मोदी जी और योगी जी रोड शो हो चुका है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कानपुर एक हॉट सीट मानी जा रही है। इसको लेकर बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का शाहजहांपुर दौरा, तो आज शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए वो आज नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे अखिलेश। तो सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब शाहजहांपुर में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके साथ ही गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। तो गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में आज अखिलेश यादव जनसभा करने शाहजहांपुर पहुंचने वाले हैं। 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्योत्सना कश्यप के पक्ष में अखिलेश यादव आज वोट मांगने वाले हैं। तो गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप के पक्ष में आज अखिलेश यादव वोटों की अपील करते हुए शाहजहांपुर में नजर आएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरदोई दौरा, तो हरदोई दौरे पर जाएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। 2019 में हरदोई की सीट बीजेपी के खाते में गई थी और इस बीच अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हुए मायावती आज हरदोई दौरे पर रहेंगी, जहां चुनावी जनसभा को मायावती आज संबोधित करने वाली हैं। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करती हुई मायावती नजर आने वाली हैं। तो हरदोई में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की एक विशाल जनसभा है। चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, जिसके लिए आज उनका हरदोई दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में मायावती वोट मांगते हुए नजर आने वाली हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली में कार्यक्रम, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार रायबरेली में जनता के बीच पहुंच रही है। इसी बीच आज कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित भी करेंगे, तो कई नुक्कड़ सभाओं को आज संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, जिसके लिए वो रायबरेली में लगातार मौजूद हैं। प्रियंका गांधी बचरावा विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं करेंगी, तो बचरावा विधानसभा में आज नुक्कड़ सभाएं करती हुई नजर आने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं और अपने भाई के समर्थन में आज प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में नुक्कड़ सभाएं करेंगी। अभिनव फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव देखिए, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में लोगों के बीच पहुंच रही है। कभी वो अचानक दौरे पर पहुंचती हैं, तो वही आज वो नुक्कड़ सभाएं करने वाली हैं। क्या लगता है रायबरेली का माहौल क्या है? बिल्कुल, देखिए रायबरेली जो कि गांधी परिवार का इकलौता गढ़ कहा जाता है, वहां से इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को मैदान में उतारा है और उन्हीं को इस बार जिताने के लिए कांग्रेस की जो महासचिव हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में सक्रिय नजर आ रही हैं। एक दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं को आज जो है प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के बछरावा
विधानसभा में आज प्रियंका गांधी की नुक्कड़ सभाएं आयोजित होंगी, जिनमें वो जगह जगह जाके लोगों से बातचीत करके कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगी। और इसके काफी पहले से भी प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में सक्रिय हैं और चुनाव प्रचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अब वो रायबरेली में ही अपना डेरा डाले रहेंगी। और इसी तरह अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को और रायबरेली से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाया है और दोनों सीट पे कांग्रेस ने ऑब्जर्वर के रूप में भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को भी मैदान में उतार दिया है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मायावती ने आकाश आनंद को हटाया, बड़ी और अहम खबर बसपा खेमे से सामने आ रही है, जहां नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को मायावती ने हटाते हुए एक ट्वीट किया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को हटाया गया है, उत्तराधिकारी पद से भी आकाश को हटाया गया है। तो उत्तराधिकारी पद से भी आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने हटा दिया है, ये जानकारी एक्स पर मायावती की तरफ से साझा की गई है। और ये खबर बसपा खेमे से लगातार सामने आ रही है, जहां मायावती ने आकाश आनंद से कई अहम जिम्मेदारियां ले ली हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें हटाया गया है और इसके साथ ही साथ अपने उत्तराधिकारी के पद से भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को हटा दिया है। लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे आकाश आनंद पर ये मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। सीधा रुख करेंगे, अभिनव का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अभिनव, मायावती ने आकाश आनंद से हर वो जिम्मेदारी ले ली है जिसको मायावती ने खुद आकाश आनंद को सौंपा था, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जाए, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव कल ही खत्म हुआ और मायावती देर रात ही ट्वीट कर रही है। बिल्कुल, देखिए बसपा खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आकाश आनंद को जो नेशनल कोऑर्डिनेटर पद दिया गया था उससे हटा दिया गया। इसके अलावा मायावती ने उनको अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी जिस प्रकार से घोषित किया था और उनको अब उत्तराधिकारी भी नहीं रहने दिया। इसके अलावा मायावती ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए उनको अपरिपक्व करार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये आकाश आनंद के लिए एक बड़ा झटका है। सीतापुर में उन्होंने एक जनसभा के दौरान सरकार पे भाषण दिया था, जबरदस्त हमला किया था, जिसको लेके उनपे FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद वो दिल्ली चले गए थे, उनके आगे के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे और अब उनपे ये गाजगिरी है। मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और अपने उत्तराधिकारी पद दोनों से हटा दिया है और ये बड़ा झटका आकाश आनंद के लिए माना जा रहा। उनका पॉलिटिकल करियर जो कि अभी शुरू ही हुआ था वो खत्म होने की कगार पे आ गया। और देखने वाली बात थी कि आगे बिल्कुल, देखिए अभिनव, लगातार आकाश आनंद उग्र होकर बीजेपी पर हमलावर रहते थे, कभी वो बीजेपी को आतंकवादियों की पार्टी करार देते थे, तो हो सकता है ये एक बहुत बड़ी वजह हो। लेकिन इसके अलावा आकाश आनंद से कई महत्वपूर्ण पद लिए गए हैं, और क्या कुछ वजह हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आकाश आनंद लगातार सरकार पे हमलावर नजर आते थे, उन्होंने सरकार को आतंकवादी तक करार दिया था, आतंकवादी तक कहा था, इसको लेके ही उनपे सीतापुर में पहले FIR दर्ज हुई थी, इसके पहले उनपे कोई इस तरह की FIR नहीं थी। उसके बाद से लेकिन लगातार देखिए आकाश आनंद चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर दिए थे, अचानक से उनको दिल्ली बुला लिया गया था और करीब पिछले एक हफ्ते से आकाश आनंद यूपी में किसी राजनीतिक चुनावी रैली को भी संबोधित करते हुए नहीं नजर आ रहे थे। ऐसे में ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे क्या आकाश आनंद को साइडलाइन किया गया, और अब देखिए स्पष्ट रूप से आ गया कि मायावती ने खुद एक्स पर पोस्ट करके बता दिया कि वो अब उनके उत्तराधिकारी और BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। आगे जब वो समझ जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो उनको दोबारा से जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अभिनव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी दौरा, तो आज यूपी दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लगातार वो अलग अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए भी आज वो नजर आएंगे। सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पहुंचेंगे अमित शाह। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लखीमपुर खीरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे आज अमित टेनी के पक्ष में लोगों से वोटों की अपील करते हुए जनसभा के जरिए आज अमित शाह नजर आएंगे, जहां 1 बजे CSNPG कॉलेज हरदोई में भी जनसभा करेंगे। तो हरदोई में आज शक्ति प्रदर्शन एक देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती हरदोई दौरे पर रहेंगे तो वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हरदोई पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं।